गुड मॉर्निंग। स्वर्णकर प्राइवेट आईटीआई के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में रिटर्न से संबंधित कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। तो आज है तारीख आपका 7 दिसंबर 2020। पढ़ेंगे हम लोग रिटर्न ग्रेड से संबंधित जो होगा। जैसे कि आपका सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ना है, सबसे पहले आपको सेफ्टी से संबंधित जानकारी होना चाहिए। सेफ्टी का क्लास कराएंगे और साथ ही आज का इस वीडियो में हम लोग लेकिन देखेंगे कि माप और माप लेने वाले औजार यानी मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आप जो काम करेंगे, जो आप जॉब तैयार करेंगे, जो आप जॉब बनाएंगे, उस जॉब को आपको एक्यूरेसी देना होता है, सही एकदम परफेक्ट परफेक्शन देना होता है, सही तरीके में बनाना होता है, कम समय में बनाना होता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ती है जिस टूल के द्वारा आप एक जॉब को परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, हम एक दो जॉब दिखा रहे हैं आपको जो यही काम को स्टूडेंट द्वारा बनाया गया है। ये स्टेप कटिंग है, लेथ द्वारा किया गया है। ठीक है, ये है और ये है, देखिए। ठीक है, ये एक जॉब है जिसको काफी फिनिश किया गया है। ठीक है, यहीं पे वर्कशॉप में। तो इस तरह से आपको एक परफेक्ट जॉब को तैयार करने के लिए आपको कुछ टूल्स का जरूरत पड़ेगा, यानी सहारा लेना पड़ेगा। और वही सब टूल, किस टूल का बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं मेजरमेंट यानी मेजरिंग टूल्स का, मेजरमेंट लेने वाले जो टूल्स हैं, मेजरिंग टूल्स, उसके बारे में। तो जब आप माप लेंगे, माप लेने से पहले तो आपको उस मेजरिंग टूल के बारे में जानना जरूरी होता है। तो इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। ठीक है, जहां बात होता है, आप जानते हैं कि कोई भी काम को करने के लिए सही ढंग से और सही काम करने के लिए आपको सही माप होना जरूरी है, कोई भी चीज। ठीक है, ये एक कैप है, ये मार्कर है। इस मार्कर में इस कैप को अगर लगाना है तो कहीं ना कहीं इसमें परफेक्ट माप के साथ इसको, इसका जितना डायमीटर है, जितना रेडियस है, उस हिसाब से इसको भी बनाया गया है ताकि इसमें ये फंसे लगे। ठीक है, नहीं तो अगर ये ढीला हो जाएगा तो उसके लिए क्या यूज किया गया है, करके ही इसको बनाया गया, तैयार किया गया है। तो उसके लिए जरूरत पड़ा किसका? मेजरिंग टूल का, यानी माप लेने वाले औजार का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग माप का बात करें, माप जो होता है यानी मेजरमेंट जो होता है, ठीक है, मेजरमेंट, मेजरमेंट जो होता है, ये मेजरमेंट होता क्या है? माप। ठीक है, आप जानते हैं लेकिन और थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आखिर ये मेजरमेंट क्या होता है? अगर मेजरमेंट का परिचय देखें हम लोग, ठीक है, जैसे आप कोई भी वर्कशॉप में, कार्यशाला में काम करते हैं, काम करते समय क्या करेंगे? माप
जो माप को जानना अति आवश्यक होता है, मतलब जो माप आप लेंगे उस माप को कितना हम माप ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, या किस में ले रहे हैं, ठीक है, या कोई एक हम लोग क्या करते थे पहले, तो अभी से लेकिन पहले क्या लोग माप नहीं लेता था, ठीक है, जिस समय ये सारा जो स्टील रूल स्केल वगैरह नहीं था, आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले भी कुछ कहीं ना कहीं माप लेते थे हम लोग, ये इस तरह से करते हैं प्लम का, ठीक है, हाथ का प्रयोग करते थे, या कोई स्टील डंडा लेकर के उसका प्रयोग करते थे मापने के लिए, लेकिन माप के ही करते थे कोई भी काम, उससे क्या होता था कि सही काम। लेकिन आज के समय आपको ज्यादा प्रोडक्शन देना है कंपनी में, तो आपको सही मेजरमेंट और माप के उपकरण जो है उसको समझना जरूरी होगा, बहुत ही जरूरी है। आप एक कुशल कारीगर बनेंगे, आपको क्या करना है, कार्य कुशल के अनुसार आपको आप किस तरह से काम कौन सा काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको मेजरमेंट करना है, और उसी हिसाब से आपको मेजरिंग टूल्स का भी चयन करना होगा, प्रयोग करना होगा, ताकि क्या होगा जॉब का जो साइज है वो परफेक्ट बने, मतलब एक्यूरेट बने, ना छोटा ना बड़ा, बड़ा भी नहीं चाहिए छोटा भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया माप। माप क्या है, कोई भी कारीगर जो है कि वर्कशॉप में क्या करता है, एक सही आकार और आकृति देने के लिए जिस किसी भी टूल्स का प्रयोग करता है, मापने का यंत्र का प्रयोग करता है, और प्रयोग करके एक सही जॉब को तैयार करता है। जैसे कोई एक जॉब है, ठीक है, कोई एक कॉम्पोनेंट है, उसके साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में अलग-अलग विभिन्न प्रकार से निर्धारित करते हैं, ठीक है, उसको मेजरमेंट अलग-अलग किस तरह का कॉम्पोनेंट है उस हिसाब से क्या करते हैं, माप लेने की टूल को ही क्या करते हैं, टूल को मेजरिंग टूल्स कहते हैं, ठीक है, जरूरत के हिसाब से जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, मेजरिंग टूल्स कहते हैं। टूल्स कहा जाता है मेजरिंग टूल्स। ये हुआ। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम का, माप तो लेंगे लेकिन कैसे, यहां पे आ जाता है जब मेजरिंग सिस्टम का, यानी सिस्टम एसआई सिस्टम का, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले कि पहले क्या करते थे, इस तरह से हाथ से मापते थे, ठीक है, उंगली का ऐसे दे करके मापते हैं, हाथ का प्रयोग करके मापते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं है, ठीक है, ये मान्य नहीं है, ये अपना काम थोड़ा बहुत निकालने के लिए हम लोग क्या, लेकिन ये आप कंपनी में या कोई प्रोडक्शन निकालने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते, ठीक है, आपको ग्लोबलाइजेशन के इस दुनिया में आपको अगर अपना मार्केट जमाना है या फिर आपको सही प्रोडक्शन देना है, तो आपको उसी हिसाब में, ताकि लोगों को भी समझ में आए, जैसे कि एक माप है, जैसे एक सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो हमको समझ में आ रहा है 1 सेंटीमीटर का मतलब है इतना, ठीक है, हमको समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इतना लंबा, मतलब कितना, इतना लंबा हमको समझ में आ रहा है, लेकिन असल में है क्या, नहीं, अगला पार्टी समझेगा क्या, नहीं समझेगा, तो उसको भी समझ में, ऐसा कुछ एक यूनिट लेना चाहिए, तभी जा करके क्या होगा, मेरा माप और उसका माप, यानी माइंडसेट सेम होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग एक सिस्टम, एक पूरा ऑल ओवर पूरा विश्व का एक सिस्टम होगा, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम होगा, जिसको एसआई बोलते हैं, क्या कहते हैं, एसआई, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई, तो एसआई के अनुसार जो है लंबाई की बेस यूनिट मीटर होती है, जो लंबाई होती है यानी लेंथ जो मापना होता है, ठीक है, यहां से यहां अगर मापना है, कोई स्टील रूल का प्रयोग करेंगे या टेप का प्रयोग करेंगे या कोई भी करेंगे, तो बेसिक जो उसका यूनिट है
वो क्या है? मीटर। मीटर, ठीक है, मीटर। तो मीटर जो होता है वो क्या है? ऐसा ही यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो मीटर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो उसका कुछ यूनिट दूसरा यूनिट के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, उसको देखेंगे, टेली करेंगे। देखिए एक मीटर जब बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक ये बोर्ड है, जैसे मान लीजिए कुछ एक दूरी पर क्या होगा, एक मीटर होगा, एक मीटर तो आप ये बहुत सारी चीजें आपको जानकारी में, आपके नॉलेज में है, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। एक मीटर बराबर आप जानते हैं सेंटीमीटर में, अगर इसको करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना होता है? एक सौ सेंटीमीटर, ठीक ना। और वहीं पे अगर मिलीमीटर में करेंगे, एक मीटर बराबर मिलीमीटर में अगर करेंगे तो कितना? 1000। ये आप जानते हैं मिलीमीटर क्या है, ये मीटर मिलीमीटर क्या है? जो एक मीटर में 1000 मिलीमीटर हुआ वो क्या है? देखिए अगर हम एक स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, देखते हैं आप जो स्केल का प्रयोग करते हैं उसमें एक इस तरह से मिलीमीटर वाला दिया जाता है, इधर से इधर तक ये एक स्केल है, कितना? 30 सेंटीमीटर वाला, जिसमें 1 2 3 4 5 करके 10 से लेकर 30 तक ये है, कुछ कुछ कितना रहता है, आधा रहता है, 15 तक रहता है छोटा स्केल। वहीं पे इसमें ऐसे कुछ मार्क किया हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसी में छोटा छोटा मार्क किया हुआ है, वो क्या है? मिलीमीटर है, छोटा छोटा मार्क है, 10 बार है ऐसे करके, 1 2 3 करके कितना टाइम है? 10 टाइम्स है, 10 घुमा, ठीक है। तो 10 में क्या हो जाता है? 1 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब यानी 10 मिलीमीटर जो है बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 करके ये इतना जो है ये क्या है आपका? 10 मिलीमीटर वर्ग यानी 1 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से जब मीटर से हम लोग देख रहे थे लेकर के, तो मीटर से संबंधित अगर संबंध बना रहे, क्योंकि मीटर क्या है? बेसिक यूनिट है लेंथ का। तो मिलीमीटर कितना होगा? वही। और वही पे जैसे कि आप देखें कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ठीक है। और एक कुछ कुछ देखेंगे, अगर 1 मिलीमीटर देखेंगे, 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? म्यू, एक आता है माइक्रो यूनिट, वो होता है 1 मिलीमीटर को अगर और माइक्रो में घटाएंगे तो, ठीक है। और उसका ऐसा यूनिट है इस तरह से म्यू, उसी को क्या कहा जाता है? माइक्रोमीटर कहा जाता है, माइक्रोमीटर। 1 mm को ये 10,000 बार करेगा, कितना? 10,000 बार। वहीं पे 1 μ बराबर अगर देखेंगे मिलीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, वही सेम चीज क्या हो जाएगा? 1 μ मतलब क्या होगा फिर? 1 μ यानी वही μ बराबर क्या होगा?
इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.001 क्या मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से कुछ संबंधित है। इसका पूरा चार्ट आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आप छोटी क्लास से ही पढ़ के आए हैं। अब देखेंगे कुछ यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो लिनियर मेजरमेंट का, ठीक है, लंबाई माप की जो है मानक इकाई है उसको देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट। तो हम लोग देखेंगे अभी स्टैंडर्ड यूनिट का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट का जब हम बात करते हैं हम लोग, तो कोई भी कार्यशाला में, किसी भी कार्यशाला में, किसी भी पद्धति में जॉब की जो माप लेने के लिए मानक इकाई यानी स्टैंडर्ड यूनिट मान ली जाती है, यानी एक स्टैंडर्ड यूनिट जरूरी होता है। ठीक है, इस मानक इकाई को आधार मानकर ही जो है कि माप ली जाती है। ऐसा नहीं कि कोई अपना एक माप दे दिए फिर माप के बना दिए, पता चला वहां जाके जॉब को अगला जॉब के साथ असेंबल ही नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट को फ्लो करके हमें जॉब को तैयार करना चाहिए या किया जाता है। ठीक है, तो उसी में से विभिन्न पद्धति में जो है कि अलग अलग प्रोसेस में जो है कि माप की इकाइयां दी जाती है, इकाइयां होती है। इस मानक इकाई को ही आधार मानकर क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, उसी में से कुछ कुछ अलग अलग है, जैसे कि FPS है सिस्टम, एक है FPS, ठीक है, एक है CGS, CGS हो गया, ठीक है, और इसी में और एक आता है MKS, लेकिन यहां पे ये सब का काम हमें नहीं लेना है, इसका यूज करना है FPS का। FPS में क्या करते हैं, FPS में F, P और S, क्योंकि हमको माप किसका लेना है, लेंथ का। ठीक है, अगर लेंथ का लेना है तो क्या करेंगे, फुट से, यानी फुट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लंबाई की जो माप का इकाई होगा क्या होगा, फुट होगा। और वहीं पे CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। CGS में क्या होगा, ये फुट होगा, और CGS यूनिट में अगर होगा, CGS में होगा तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में होगा। और वहीं पे MKS में क्या होगा, MKS पद्धति में क्या होगा, ये लेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर में होगा, मीटर में होगा। ठीक है, तो ये दो तीन तरह का जो ये पद्धतियां है, इस पद्धति से हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन उसी पद्धति में लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप अपना दूसरा एक पद्धति खुद का बना करके आप माप रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे माप लेने की विधियां, कैसे मापेंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी जॉब को कैसे मापेंगे, मेजरिंग मेथड्स को देखेंगे। मेजरिंग मेथड्स को देखेंगे, यानी माप की जो विधियां है, पद्धति है, उसको देखेंगे। तो इसमें दो पद्धति है, ठीक है, एक डायरेक्ट है
और एक इनडायरेक्ट है। एक क्या है? डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है, जैसे एक जॉब ले रहे हैं हम लोग, अगर इसको देखेंगे, यहां से यहां अगर बोलेगा कितना लेंथ है इसका, लंबाई कितना है इसका, ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हम लोग ऐसे करके स्टील रूल पकड़े और पकड़ करके देखेंगे, इधर लगा करके ऐसे करके, ठीक है, 90 mm, ठीक है, 90 mm का, यहां से यहां तक कितना है, 90 mm, यानी 9 cm, सेंटीमीटर में कर देंगे, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट, किसी भी जॉब को, ठीक है, किसी भी जॉब को इस विधि के द्वारा, किसी भी जॉब को प्रत्यक्ष रूप में स्टील रूल के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, स्टील रूल या फिर हम देखेंगे ये है वर्नियर कैलिपर, ठीक है, ये क्या है, वर्नियर कैलिपर, इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि यहां से यहां जो है इस जगह का, इस जॉब का कितना लेंथ है, तो कितना ये दिख रहा है, 9 है यहां रीडिंग है, तो 90 mm का है, ठीक है, ये डायरेक्ट हम देखेंगे। या फिर कोई भी दूसरा माइक्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, इसका माप को हम लोग डायरेक्ट मापते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मेजर, ठीक है। यानी किसी भी स्टील रूल या फिर माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, जिससे हम लोग डायरेक्ट जॉब को क्या करते हैं, उसका लेंथ या उसका यूनिट पता करते हैं, दूसरा यूनिट, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड। यहीं पे अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है, किसी भी इनडायरेक्ट मेथड जो होता है, इस विधि में जो है कि जॉब को मापने मापने से पहले अप्रत्यक्ष माप दिया जाता है। अप्रत्यक्ष औजार क्या क्या होता है, जैसे कि हो गया आपका कैलिपर हो गया, ठीक है, जैसे ये सारे कैलिपर है, ये जितने सारे ये कैलिपर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इनसाइड कैलिपर है और ये आउटसाइड कैलिपर है, इसके द्वारा माप लेते हैं हम लोग। माप लेने के बाद क्या करते हैं, जैसे उसी लंबाई को मापते हैं, ठीक है, चलिए उसी लंबाई को हम लोग मापते हैं, इसको पूरा खोलना पड़ेगा, इसको ओपन करते हैं, देखिए अगर इसका ये चौड़ाई को देखते हैं कितना है, तो इससे मापेंगे, थोड़ा और खोलना है, ये पूरा ही खोल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये जैसे कैलिपर है, ये इनसाइड कैलिपर है, वो आउटसाइड कैलिपर पूरा आउट हो गया, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, खोलेंगे, खोलने के बाद देखेंगे कि इसका अंदर का जो है इनसाइड है, तो अंदर का इसका इनसाइड जो है ये कितना है इसका, यहां से यहां तक मान, तो ये यहां घुसा कर देंगे ऐसा, ठीक है, घुसा लिए, इसको टाइट करिए, कितना है, इतना है, अब इसको निकालिए, फिर से घुसा के देखिए, हाँ, ये एक बार माप लिए, प्राइमरी मेजरमेंट किया,
वहीं पे एक बार करने के बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें कोई रीडिंग दिख रहा है क्या। इसमें तो कोई रीडिंग नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से स्टील रूल यहां बैठे और इधर देखेंगे कितना होगा। 40.45, ठीक है, कितना है 45, मतलब 45 जो है मिलीमीटर है। कैसे हुआ, पहले इसका प्रयोग किए, उसके बाद क्या हुआ, कैलिपर के बाद स्टील रूल का भी प्रयोग किए, मतलब इनडायरेक्ट रूप में हुआ, डायरेक्ट नहीं कर पाए, इसको हम लोग प्रयोग किए उसके बाद ही इसका यूज करना पड़ा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि ये स्केल जो है, या आप जिस स्टील रूल का बात कर रहे हैं, ये अंदर जाकर के नहीं माप सकता था, क्योंकि इसका काम है, ठीक है, तो वही करेगा। क्योंकि आप उस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उस विधि के बारे में, मेथड के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ये है वर्नियर। आप देखेंगे इसमें वर्नियर कैलिपर में भी, यहाँ आप यहाँ बैठ कर देखेंगे, ठीक है, इस तरह से ये, अब देखिए कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, यानी 45 मिलीमीटर। इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड का माप लिया जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के मेथड होते हैं मेजरिंग का। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये तो मेजरिंग मेजरिंग का मेथड हम लोग देखें, आगे हम लोग देखेंगे कि ये स्टील रूल क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड साइज क्या है, किस तरह से उसका मतलब मटेरियल होता है, इसमें क्या चीज का बना होता है, इसके प्रकार जो होता है, अलग अलग टाइप्स है उसको भी देखेंगे, इसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ऐसे देखिए लचीलापन है ना, इसके अलग अलग टाइप है, हुक टाइप होता है, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग रूल होता है, अलग अलग प्रकार है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बस घर में अपना पढ़ाई जारी रखें और अपना सेहत का ख्याल रखें, धन्यवाद।